जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है, जिस तरीके से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक क्षेत्र को ज्यादा लाभ पहुंचा करके दूसरे क्षेत्र को दबाया जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे, उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। और हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से एक कानून ब्रिटेन में पास हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की, उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता है। सर, जाति जनगणना जिस तरीके से बिहार में हो रही है, वहीं पर बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि बिहार की सरकार गिरने वाली है। जब जाति जनगणना शुरू हो गई तो सरकार गिराने की लगातार बीजेपी की जो कोशिश है। जाति जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी, अंग्रेजों ने किसी जमाने में 1931 में ये समझा था कि जाति जनगणना हो, और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा, और मुझे याद है जी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौकों पर यह कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को, आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती।